हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे आप सब, आप सभी का स्वागत है अंजुम के आशियाने में। और मैं आज बनाने वाली हूँ चाइनीज खाना। चाइनीज खाने में मैं क्या बनाई मालूम? पहले बनाई थी सूप, चिकन सूप। हाँ, जो तब्बो ने अभी थोड़ा कम दिख रहे हैं ना, चिकन सूप नहीं, सॉरी एग सूप है। एग सूप बनाई ली है जो तब्बो ने अभी थोड़ा सा पी ली। और अभी मैं चिकन ली हूँ, उसका ऐसा बॉइल चिकन है, उसको ऐसा कर लूंगी दस से दस से। हाँ, क्योंकि मैंने ना बोनलेस से बोलते है ना। हाँ, ये कौन सा है? ये बोनलेस नहीं है। हाँ, वो नहीं ली मैंने, वो थोड़ी सी चाबेंगे ना तो चप चप लगता है। चप चप मतलब एकदम सुक्का सुक्का। हाँ, लगता है। मैं है ना इसलिए हड्डी वाला ली, ताकि है ना मुँह में थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट लगे, उसको बॉइल कर डाली मैंने। ठीक है, और यहाँ पे पानी रखे है, फिर मैं इसमें नूडल्स गर्म करेंगे। नहीं, नूडल्स बॉइल करेंगे। गरम करेंगे, बॉईल करेंगे? नहीं, बॉईल करेंगे, गरम खाना करते हैं, नूडल्स बॉईल करेंगे। तो ये सब बनाना सिखाया कौन मम्मी तुमको? मैंने, तब्बो ने सिखाया। हाँ, क्योंकि तब्बो ज्यादा यही खाती थी। हाँ, तो आप तब्बो की लाइव रेसिपी कभी देखना चाहते मुझे कमेंट करना। इंशाल्लाह बहुत बाद में, बहुत बाद जब भी मेरा मन करता है तो ही मैं खाना बनाती हूँ। ऐसा मन नहीं करता है, मम्मी मुझे बनाने नहीं देते ऐसा, क्योंकि मैं जॉब पे रहती हूँ ना, तो मेरे आए तक मेरी मम्मी बर्तन खाना सब कुछ बना के रखते, और जिस दिन खाना नहीं बनाते उस दिन मेरे दिमाग का पारा हिल जाता है। हाँ, क्योंकि मुझे आए बराबर बहुत ज्यादा जोर की भूख लगती है, और जिस दिन मैं मम्मी को देख लेती हूँ मम्मी बाजार लेके थैली हिलाते हुए आ रहे हैं घर पे, या फिर बोलेंगे तब्बो खाना नहीं है अभी बनाने जा रही हूँ, तो मेरे को एकदम तन बदन में आग लग जाती है। मैं दिन भर खाना सहन कर लूंगी, पर काम पे आने के बाद भूख लगती है भाई, अपने को खाना चाहिए रहता है। हाँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मम्मी के पास पूरा दिन रहता है, काम नहीं करे चलो ठीक है मत करो मैं कर भी लू आके, पर पूरा दिन रहता है तो तुम खाना मेरे आने के टाइम पे क्यों बनाते? अच्छा सवाल पूछिए तो मैं जवाब दे दूँ। हाँ, क्योंकि वो टाइम पे आमिर भी आता। हाँ, वो टाइम पे सब्बो भी आते हैं। हाँ, वो टाइम पे माजी भी आते हैं। हाँ, और इसके पापा आते हैं लेट। हाँ, तो तीन जन आते हैं। अब मैं तो अकेली खाने वाली हूँ नहीं, तो फिर ऐसा सोचना चाहिए तुमको कि नहीं बच्चे आ रहे काम पे से, भूख लगी हुई रहेगी, तो ये ज्यादा सोचना जरूरी है कि ये ज्यादा सोचना जरूरी कि गरम गरम खाना दोगे? गरम खाना नहीं, नहीं नहीं, तुमको पता है मेरे को तो गरम खाना वैसा भी नहीं जमता है। तो नहीं जमता ना दूसरा, पर भूख लगी, भूख का क्या, हमारी भूख क्या एक दिन बर्दाश्त कर देने का, एक दिन चलता, दो दिन कभी कभी हो जाता है मम्मी, दो या तीन दिन भी चलता है। आज भी मेरे को खाना नहीं दिए इन्होंने, खाना दी नहीं, इसने खाई नहीं, बोले नूडल्स बनाऊंगी नूडल्स बनाऊंगी बोल के अभी तक मेरे को खाना दिए नहीं। अभी बज रहे हैं रात के 11 करीब कुछ बज रहे होंगे, 10:30-11, और मैं आई हूँ काम पे से 7-7:30 बजे से आई हूँ। इंसान सोचता है घर पे आएगा खाना ये ना मिलेगा, पर कहाँ, यहाँ तो रात को खाना मिल रहा है। ये बिचारी इतनी भूखी रही थी, इतनी पतली हो गई, करके मेरे को लगता निकट पूछ रही थी इतनी पतली कैसी हो गई। तो मोहम्मद की अम्मी मेरे में मुझे खाना नहीं देते यहाँ पे, मेरे से जुल्म हो रहा है इधर पे। बिचारी इमली के पत्ते बिचारे मोहम्मद की अम्मी रहते तो मैं जाती क्या बनाए दो ले क्या आती थी। अभी तो वो भी नहीं है कि किसी के और के घर का खाना टेस्ट करे। मैं घर पे चली जाती थी क्या बनाए दो, क्योंकि हम हमारे मुँह को वो है चटके, हमको दूसरे के घर का खाना अच्छा लगता है, पर हम लोग किसका भी नहीं मांगते, मतलब मांगने जाते ही नहीं, अच्छा नहीं लगता है। हमारे घर में कुछ भी बनता है हम लोग मोहम्मद की अम्मी के घर पे देते थे, उनके घर में कुछ भी बनता था तो फिर मैं लेके आ जाती थी खाने के लिए, क्योंकि उनके घर से एक था ऐसा क्या नहीं मम्मी कि बिंदास खाना लेना देना था बस, पर अभी बिचारे वो ही नहीं रहे। अरे मतलब गए इसके अब्बा के हाथ का चाइनीज बहुत पसंद है माशाल्लाह, और मैं है ना ये समझ लेना ये रमजान के लिए ही बना रही, हो सकता तभी रमजान में मेरा ब्लड प्रेशर एकदम लो हो और मैं किचन पे आपको रेसिपी बताने की हालत में ना रहूं, तो समझ लेना ये एडवांस में आपको रेसिपी है कि नहीं एडवांस में, क्योंकि फिर एक तो ब्लड प्रेशर है मेरे को बताने में बिच्छू। हाँ, और कभी कभी मम्मी मेरा भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देते तो क्या पता मैं कभी निकाल ना पाऊँ वीडियो, ये रहती नहीं पहली बात, ये मेरा वीडियो निकालती नहीं है, झूठ बोल रही है। मेरे ब्लॉग आप देख रहे हैं इतने लेट इसलिए आ रहे क्योंकि
तब वो काम पे रहती है और मेरा ब्लॉग निकालने वाला कोई भी नहीं रहता, इसलिए मैं सिर्फ मम्मी के लिए एक आईफोन ले रही हूँ ताकि मम्मी व्लॉग बनाएंगे। सिर्फ मम्मी मम्मी के लिए मैं आईफोन ले रही हूँ, एकदम मस्त मस्त व्लॉग बनाएंगे, एकदम स्लोमो करके ऐसा डालेंगे खाना, नमक ऐसा छिड़केंगे। ये देखो ये मैंने 5 पैकेट लेके आई नूडल्स के, अभी ये व्हाइट अभी मैं इसको येल्लो कर दूँ, येल्लो ये अच्छा है ना कबो। हाँ तो येल्लो हमारे इधर मिल रहे नहीं है अभी, तो हम लोग उसको ट्रिक से येल्लो करेंगे। खाली जबान में जोर है तुम्हारे, हाथ में नहीं है। देख मेरे हाथ में कितना जोर है। अब इसमें डालेंगे न्यूजल्स, इसी में सब नूडल्स डालेंगे। फुल भाई फुल कैसी भी अंदर रख दी मैंने। ऐसे ना अच्छे अच्छे डालूंगी ना तो फिर बहुत लंबे लंबे नूडल्स हो जाएंगे। मैं दो ऐसा तोड़ के डाल दूंगी, ये समझो किसी की जुबान है और मैं ऐसा तोड़ दी जुबान, और ये भी समझ जाओ किसकी जुबान है और किसकी जुबान में से तोड़ दी। ये 80% लग पका हुआ ज्यादा नहीं, जिसकी सी लंबी जुबान रहती ना ये उनकी जुबान है। अल्लाह इसको लंबे रखने के तो वो लंबे भी डाल सकते हैं, और हमें कुछ लंबे नहीं करने के। नमक डालो मम्मी इसमें। हाँ अभी अच्छा तब वो बता रही नमक डालने का है, और क्या डालू तब वो, और इसमें इसमें देखते तब वो बता, थोड़ा सा तेल डालो हल्का सा, जिससे जिससे है ना वो नूडल्स एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं। चैप्टर सीख गई, सिखाया तुमको कौन है, मैं नहीं। और उसके बाद है ना थोड़ी, हाँ उसके बाद थोड़ी सी हल्दी डालो बेटा, जिससे उसको पीला कलर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग डालेंगे थोड़ी सी हल्दी जिससे ये नूडल्स का कलर हो जाएगा येलो येलो, तो नूडल्स इससे और खूबसूरत दिखते हैं खाने में। अच्छा फिर जब तक जाने का ऐसा मेन अंडे वाला उठाने का ऐसा, इसके अंदर सूप के काढ़िया डालेंगे तो अच्छा लगेगा। मतलब फ्राई नूडल्स है सूप के काढ़े, मतलब अभी हल्दी डाल देंगे। चम्मच का रख दी मैंने, और अभी इसको अच्छे से करेंगे मिक्स, मिलाएंगे मिक्स करने का। तो आपको कौन सी मेरी रेसिपीज देखने का है तो मुझे कमेंट करो, मैं मम्मी को बोलूंगी वो रेसिपी बनाने के लिए। चैप्टर बहुत ज्यादा चैप्टर है। चलो ये जब तक अपन खाते रहेंगे फटाफट, उसमें डालेंगे। और मैंने नूडल्स के लिए ली गोभी, प्याज की पत्ती, गाजर शिमला मिर्ची, अदरक लहसुन क्रश कर दी ली क्रश, और साथ में हरी मिर्ची और साथ में है तीन अंडे है साथ में। इसके बाद डालूंगी सोया सॉस विनेगर। एक चीज दिखाती हूँ, चीज दिखाती हूँ। ये देखो मैंने कैसा सब काट कूट के रख दी थी, तुम भी रमजान में ऐसे ही रख सकते हो। शिमला मिर्च, गाजर, कैरोट, बहुत आसानी हो जाती है। फिर कुछ भी बनाओ, नूडल्स बनाओ, फ्राइड राइस बनाओ, सूप बनाओ, या फिर प्याज कैलामी कबाब आते ना वो, और ये है अरे वो कबाब बनाए थे ना तपो अपुन ने, पत्ता गोभी क्या नाम
कबाब का नाम शामी कबाब, रशियन कबाब, रशियन कबाब, हाँ रशियन कबाब। तो अभी ये हमारे जो नूडल्स है ये अभी उबलने वाले हैं। रख दी थी फ्रिज के अंदर तैयार करके, अभी नूडल्स उबल रहे हैं, बॉईल हो रहे हैं। और तब्बू का इधर, यहाँ इधर हाथ मेरा चल रहा पकाने में और इधर हाथ मेरा चल रहा खाने में। खाने में चलो फिर अच्छे से बॉईल होंगे। अरे चिकन नहीं बताया मैंने, और चिकन में डालूंगी मैं उसके अंदर। चलो फिर अच्छे से बॉईल हो जाएंगे 80%, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। नूडल्स बॉईल हो गए हमारे, हम लोग को इसे बॉईल कर, इसको मैंने थोड़ा सा तेल मिलाई और इसको थोड़ा सा और रख दिया ताकि चिपके ना। और यहाँ मेहनत हो रही है। इधर मैंने कढ़ाई गर्म को रख दी, अभी हम लोग डालेंगे इसमें तेल। पर मैं ये नहीं समझ रही, मरमर के पीछे से दिखा। तो इसमें डालेंगे अभी अंडा, अंडा फेंट लेंगे इधर उतना फेंटे लगेगा, अंडा फ्राई करके निकाल देंगे हम लोग पहले जैसे तेल गर्म होने दे। चल देंगे मिलाएंगे अच्छे से फ्राई कर देंगे। फ्राई करके इसको निकाल देंगे। हम लोग ने इसमें तेल भी डाल दिए, एग निकाल दिए, तेल डाल दिए। अभी हम लोग डालेंगे अदरक लहसुन, अच्छे से फ्राई करेंगे। काम पे जाने गए तो तेरे वजह से दूसरों को टेस्ट की मार रही। तो अभी अदरक लहसुन मैंने डाली, 3 चम्मच डाली अदरक लहसुन और 1 चम्मच डाली बस। तो तब्बू को काम पे जाने का, तो तीखा नहीं बनाएंगे, नहीं तो मैं एकदम तीखा बनाती हूँ। अभी बच्चे लोग के हिसाब से पत्ते से फ्राई कर देंगे तेल में। अभी हम लोग डालेंगे गाजर, शिमला मिर्ची, गोभी और डालूंगी क्या बोलते हैं, नमक, चिकन चाहिए कम डालती है। अभी डालेंगे हम लोग इसमें शीख स्टार्टिंग में एडिटिंग करने को क्यों लगा हम लोग। अभी हम लोग डालेंगे नूडल्स, मैं बार बार बिस्मिल्लाह बोलती क्योंकि अब मेरे को आदत ही हो गई है बोलने की। बैन नूडल्स मैगी नहीं खा रहे हम लोग बाबा, जब से बैन हो गए तब से मैगी भी बन गई। हाँ
ये ना मैं चिकन से हिला लेती फिर दिखाती आपको। एकदम अच्छे से मिक्स कर दी नीचे कढ़ाई उतार के, क्योंकि तब्बू की वजह से ना कैमरा पकड़ी ली थी तो मुझे बुरा नहीं था। तब्बू असली अरे मैं तब्बू के लिए कैमरा पकड़ी थी तो मैं कैसे हिला सकती। चलो अभी हम लोग डालेंगे सोया सॉस। ये काला पानी, ये विनेगर, ये विनेगर मैंने गैस पास की रखी थी। मैंने तब हटा देना वही चम्मच, हटा देना वही चम्मच। वापिस से सब मिक्स कर दिए। अभी हम लोग डालेंगे एग, ये हो गया चिकन, एक नूडल्स, और इसी के ऊपर हम लोग डालेंगे अभी थोड़ा सा कच्चा उसको मिक्स करेंगे। अभी हम लोग ने सब मिक्स कर दिए। अब हो गया हम लोग का तैयार नूडल्स, चिकन नूडल्स। ये अभी इसको सेविल हम लोग सब बैठ के खाएंगे। सेविल भी घर पे आया है। चलो अभी मैं ये रख दूंगी, इसके बाद इसके पप्पा का बनाऊंगी नूडल्स। और ये इसके अब्बा का भी फिक्के वाला बन गया। अरे सही लेना खाना सेविल। तो ये देखो माजी ने ले गए थे उसके अप्पा के। अभी मैंने दोनों बनाई ना नूडल्स। अभी ये भी इनको दूंगी, पूछूंगी कौन बनाए, जानते क्या नहीं देखते। बोलेंगे मैं बनाई हूँ। माजी ने होटल से निकाले इसके अप्पा के लिए, और ये हमारा बने जाएंगे। देखते मैंने, अरे शेजवान चटनी वैसे मैंने निकाल दी। शेजवान चटनी ये हम लोग की है और ये होटल की है। चलो अभी मिलते दस्तरखान पे। यार सेवन इसका रिव्यू देने वाला था, बोल रहा था खाना बोला नहीं तो अभी हमने ये नहीं ना। अच्छा तो मुंडे नीचे डाले और बोल के सब बनाया। जल्दी जल्दी बहुत अच्छा जल्दी सही बताएगा खाते बता रहे। अरे अच्छा है, सच्ची अच्छा है, मस्त है। रेस्टोरेंट खोल दो, इसको रखो। अभी होटल मैनेजमेंट तू कर रहा है। तो बन गया हम लोग का खाना, चाइनीज सूप नूडल्स। और अभी इन सब में से बताने का एक चीज बाहर की है। कौन सी चीज बाहर की है? गेस करो, खा के टेस्ट करो पापा, खा के पता चलेगा। तो मेरे हाथ का टेस्ट मालूम ही है ना। गिरा सूप भी पीने का तो वो पी सकते हैं, सूप भी पी सकते हैं। सब फिक्का ही है। ये बाहर का है। सही बोले, ये माजी ने लेके आए थे इसके अब्बा के लिए फिक्के वाला फ्राइड राइस। हमें नूडल्स कैसे बने? अच्छे बने। तब अभी खा के बताएंगे। तब उसका चेहरा नहीं दिखेगा। मैं तो खा गई थी बाहर ही, नूडल्स खाई थी। अभी वापस से खा के निकलते हैं। चलो ठीक है, राउंड करने का चम्मच नहीं, जंगली धतूरी। Mm.
माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मैं पीऊंगी, एक नंबर बना मैं खाऊंगी। और ये है मेरे फेवरेट, हम यार लोग सब खाना खाते फ्रिज करते फिर मिलते हैं। मस्त माशाल्लाह एक नंबर खाना बना, मस्त खाना वाना हो गया। इनसे पूछेंगे कैसे बना जाए खाना, बहुत अच्छा बना माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इन्होंने ना क्या ट्राई किया, समोसे लाए, इतने समोसे लाए थे 10। हमने लाए थे, कौन लाया था सबो? 7 ने लाया था। 7 ने लाया था पिज्जा, पिज्जा ही सबो ने, और मैंने तो खा लिए थे पहले, इसका के लिए और आमिर के लिए रखी थी, उन लोग ने तो खाए ही नहीं। इसका मैंने लाए थे फ्रूट, फ्रूट में क्या लाई हूँ, लेके आए बेल, और लेके आए ढेर सारे अंगूर माशाल्लाह, बेल सब गिर गए जैसे। तो अंगूर का सीजन है ना, तभी रोज अंगूर और बेल आएंगे, रोज रोज नहीं भी बोलेंगे, दो तीन दो दिन में तो आते ही, नहीं तो फिर कभी कभार दिन में से दो बार भी आते हैं, कभी सवेरे भी लेके आते हैं, सवेरे ही खा जाते हम लोग, फिर शाम को भी लेके आते हैं। मस्त देर आए ले और अंगूर भी आए ले। तो फिर ये ब्लॉग में यही पे एंड करती, आप मेरी रेसिपी ट्राई करना, सूप की और नूडल्स की, फ्राइड राइस की तो मैंने पहले ही डाल दी थी, और ये समझ लेना रमज़ान की रेसिपी, समझ लेना नहीं रमज़ान की, हम लोग रमज़ान में भी बनाते सेम ऐसी में, कि मैं इस वक्त दे पाऊँ या ना दे पाऊँ, इसलिए इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रमज़ान के पहले से ही आपको रेसिपी दे सकूँ, है ना। तो फिर मेरा ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को लाइक करो, नहीं लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो, वीडियो को मेरे लाइक करो, हाँ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब भी करो यार, ठीक है। सो गए तो फिर कब हो गए, तो जल्दी जल्दी 400 500 600 1000 करो। तो चलते मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।